77th में पिछले 24 घंटा में साउथ ओडिशा का मलकानगिरी, कोरापुर, नवरंगपुर, कालाहांडी, रायगढ़, गजपति, नयागढ़, पुरी, नॉर्थ ओडिशा का सुंदरगढ़, भद्रक डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग का साथ हुआ है। मोथिली में हाईएस्ट रेनफॉल हुआ मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट का 30.0 मिलीमीटर, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कोलदारा में 29.6 मिलीमीटर, नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट का पापादाहंदी 22.0 मिलीमीटर, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का लामतापुत 14.2 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है। और अभी मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में स्वाभाविक का आसपास ही था पिछले 24 घंटा में। बोध में हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर था 42.5 डिग्री सेल्सियस, सोनपुर 42.4, बोलांगीर 41.2, टिटलागढ़ 41.8, नोआपारा 41.0। ये सब स्थानों पर इस समय मोस्टली स्वाभाविक टेम्परेचर 42 इस रेंज में रहते हैं। भुवनेश्वर सिटी में 37.0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, यह स्वाभाविक का आसपास ही था। अभी अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट हमारा है, इसमें अगला 5 दिन ही एक दो जगह करके आइसोलेटेड वे में थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होने का चांसेस है। आइसोलेटेड प्लेसेस में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। अभी हमारा नेक्स्ट 24 आवर्स में मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल, गजपति, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केउनझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश हो सकता है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है, मैक्सिमम टेम्परेचर अभी ज्यादा चेंजेस होने का चांसेस नहीं है। नेक्स्ट 4-5 दिन में ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है, मोस्टली स्वाभाविक का आसपास रहेगा। बट इंटीरियर शेखा डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर स्वाभाविक टेम्परेचर होते हुए भी हमारा 42 इस रेंज में रहेगा, क्योंकि इस समय स्वाभाविक टेम्परेचर भी इंटीरियर शेखा कुछ कुछ स्थानों पर 42 रेंज में रहते हैं।